لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. سفر اے حج کی پانچ دنوں کے ارکان ادا کرنے کے لیے حاضرینوں کا قافلہ جوگ در جوگ مینا پہنچتا ہے. इस तरह हज के पहले दिन की शुरुआत हो जाती है. हज के पांच दिनों में मीना शहर पूरी तरह से दुनिया के सबसे बड़े खेमों के शहर में तब्दील हो जाता है. अल्लाह के ये सभी मेहमान अपनी कोठियाँ बंगले और मकान छोड़कर बारगाह इलाही में जमा होते हैं और फिर यहाँ पर पांच वक्त की नमाज अदा की जाती है. क्या अरकान होते हैं जो ज़िलहिज्जा में अदा किए जाते हैं? हज पर जाने वाले हाजरीनों के लिए क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए? अल्लाह के लाखों करोड़ों बंदे खाने काबा पहुंच चुके हैं. वो मंजर होता है नूरानी और इज्तिमाईयत का कि इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती. 40 लाख के करीब हाजी, आप अंदाज़ा कीजिए कि जब एक ही टाइम में सारे अरकान अदा कर रहे हैं, एक ही टाइम में सबको करना है 40 लाख आदमियों को, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह आसान कर देता है. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ. इस्लामिक महीने ज़िलहिज्जा की 8 तारीख को हज का पहला दिन शुरू हो जाता है. सभी हाजरीन एहराम पहनकर हज की शुरुआत करते हैं. इसके बाद मक्का शहर में तवाफ के लिए जाते हैं. खाना काबा के चारों तरफ 7 चक्कर लगाने को तवाफ कहा जाता है. तवाफ के अरकान की अदायगी के बाद सई की रस्म अदा की जाती है. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ. सई की इस रस्म में पहाड़ी सफा से मरवा तक की दौड़ 7 बार लगाई जाती है. इस रस्म के बाद सभी हाजरीन का काफिला मीना शहर पहुंच जाता है. खाने काबे का 7 चक्कर काटने के बाद, तवाफ करने के बाद में फिर वो सफा मरवा की सही करते हैं, वहां भी 7 चक्कर काटते हैं, इस तरह उनका उमरा हो जाता है. फिर तवाफ शुरू हो जाता है दाहिनी तरफ से. उल्टे नहीं चक्कर लगाएंगे, दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे. 7 चक्कर लगाने होते हैं. अगर 7 चक्कर पूरे हो जाते हैं तो एक तवाफ कहलाता है. एक तवाफ के लिए 7 चक्कर ज़रूरी है
उसमें हर चक्कर में दुआएं पढ़ी जाती हैं, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की जाती है, कुरानी दुआएं, हदीस शरीफ की दुआएं, जो भी दुआ याद हो। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लक लबैक इन्नल हम्द। मीना पहुंचने के बाद ज़िलहिज्जा की 8 तारीख को 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है, जिसकी शुरुआत दोपहर की नमाज यानी नमाज जुहर से की जाती है। साथ ही मीना शहर में बाकी की नमाजें जैसे कि असर, मगरिब और रात में इशा की नमाज अदा की जाती है। इसके बाद हाजरीन खुले आसमान के नीचे पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देते हैं। अगले दिन सुबह 9 ज़िलहिज्जा को आज़मीन हज फजर की नमाज अदा करते हैं। यहाँ से हाजरीन कंकरियां भी इकट्ठा करते हैं, जो कि शैतान को मारने के रस्म के काम में आती है। इंतखाब आलम के साथ शहबाज अहमद, चैनल 1। لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله